हाँ क्षत्रिय सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के लिए शाम को दीपक जला करके खुशियां मनाते हुए दादा सुखदेव सिंह गोगामेड़ी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना अपने निवास स्थान पर राष्ट्रीय कार्यालय पर दीपक जलाकर क्षत्रिय सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती को दीपोत्सव के रूप में मनाते हुए हवा का प्रवाह है बहुत तेज है, फिर भी दीपक की रोशनी से राष्ट्रीय कार्यालय जगमगा रहा है। जय जय राजपुताना, जय मां भवानी, जय पृथ्वीराज चौहान, वीर शिरोमणि क्षत्रिय सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती पर एक दीपोत्सव बहुत ही खुशियों के साथ दीपोत्सव के रूप में मनाते हुए दादा सुखदेव सिंह गोगामेड़ी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना मोमबत्ती लो तो ले लो। जय मां भवानी, जय राजपुताना, वंदे गोमातरम। मेरे देश के होनहार युवाओं, नौजवान साथियों, वीर श्रोमणि क्षत्रिय सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की आज जयंती है और जैसे पहले कहा गया था कि हम दीपक जला करके मनाएंगे और उसी कड़ी में आज हम दीपक जला करके राष्ट्रीय कार्यालय में वीर श्रोमणि क्षत्रिय सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती धूमधाम से मना रहे हैं। आप लोग ने भी जिन्होंने दिए जलाए हैं वो जला लें फटाफट,
जिन्होंने नहीं जलाए हैं वो जलाने शुरू कर दें। आज वीर श्रोमणी क्षत्रिय सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती है और इस उपलक्ष्य में दीपक जला करके हम लोग, हवा का प्रवाह तेज है थोड़ा, फिर भी आप लोग देख सकते हो, वही साहब थोड़े से इधर हो जाओ, ये देखो आप लोग जगमगा रहे हैं पूरे दीपक, पूरी लंबी तक ठेठ तक देखो दीपक जगमगा रहे हैं, हवा का प्रवाह तेज होने के बावजूद भी पूरे दीपक जले हुए हैं, जगमगा रहे हैं। और पृथ्वीराज चौहान जी, आपको पता है कि 17 बार जिसको मौका दिया हो, जिसको माफ किया हो और फिर वो गद्दारी करे, पृथ्वीराज चौहान जी बहुत ही नेक दिल और क्षत्रिय सम्राट थे, सबको साथ लेकर के चलते थे, क्षत्रियों का इतिहास रहा है सबको साथ लेकर के चलने के लिए, जितने भी महापुरुष हैं उनको सब पूरा भारत मानता है, पूरे भारत की कौम मानती है, पूरे भारत के युवा मानते हैं और खूब धूमधाम से आज पृथ्वीराज जी की जयंती मनाई गई। आपने देखा होगा मैंने भी ट्वीट किया था, हैशटैग किया था सुखदेव सिंह गोगामेडी मेरे ट्विटर से, और वो ट्विटर आप देख रहे हो कहां तक बढ़ गया है भारत के अंदर, कि आज मुझे खुशी हो रही है इस बात की कि मैंने पिछले 6-7 साल से जो मेहनत की है पूरे भारत के क्षत्रियों को एक करने की, क्षत्रियों को जगाने की, उसका फल दिखाई देने लगा है। हर जगह क्षत्रिय संगठित हो रहे हैं, एक हो रहे हैं, नेक हो रहे हैं और चारों कोनों में, दसों दिशाओं में क्षत्रियत्व जाग रहा है। मेरे देश के नौजवान साथियों, आप संगठित रहोगे, एक रहोगे, मैं बार बार कहता हूं इस देश की कोई ताकत नहीं जो आप लोगों का मुकाबला कर सके। मैंने 2-3 दिन पहले लाइव आया था, उसमें भी मैंने कहा था कि सरकार कभी 12 करोड़ बताती है, कभी 18 करोड़ बताती है, हम क्षत्रिय 24 करोड़ हैं। आज की इस स्थिति में हम 24 करोड़ क्षत्रिय भारत के अंदर हैं, सरकार आंकड़े कम बताती है। मैं आपको बता दूं कि SC ST एक्ट जो SC लॉबिंग है उसके अंदर SC में 90 जातियां आती है, SC के अंदर 90 जातियां शामिल हैं और उनमें SC ST के अंदर काफी राजपूत समाज की जातियां भी शामिल हैं। अगर उन सबको, मैंने कहा है 2022 में गणना करेंगे क्षत्रियों की पूरे भारत में करनी सेना के बैनर के नीचे, क्योंकि पूरे भारत में करनी सेना की टीम बन चुकी है प्रदेश वाइज और हम क्षत्रियों की गणना 2022 में पुनः करेंगे। अगर वो SC ST में और राजपूत इधर उधर शामिल हैं, वो सारे राजपूत, जितनी भी राजपूतों की जातियां वो एक जगह हो जाए ना, तो आज 35 करोड़ क्षत्रिय हैं इस देश के अंदर, पर इनको कोई गिनता ही नहीं, इनकी कहीं गिनती नहीं है, ना कोई राजनीतिक झंडा है। अरे जिसका डंडा मजबूत हो और हाथ में झंडा हो वो समाज रुका नहीं करता, आगे बढ़ता है। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, जो हम लोगों से कैसी कोई पूर्वजों से गलती हुई या पूर्वजों से गलती करवाई गई, इस बात पर मैं नहीं जाना चाहता। इस बात पर जो समाज के ज्ञानी लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो जाएं और वो सोचें और चिंतन मंथन करें कि ये जातियां अलग अलग भागों में राजपूत तो क्यों बंटे, ऐसी क्या नौबत आई कि राजपूतों को अलग अलग बांट दिया गया। ये सबसे बड़ा राज परिवार से राजा साहब, इससे
ये छूट भैया, ये छूट भैया, ये छूट भैया, अरे हम तो इसी कड़ी में उलझ के रह गए। मैं पूरे भारत के क्षत्रियों को बताना चाहता हूं, मैं सुखदेव सिंह गोगामेड़ी करनी सेना सुप्रीमो सबसे छोटा क्षत्रिय समाज में मैं ही हूं। आप सब जितने भी छत्राणी की कोख से जिन्होंने जन्म लिया है वो सब मेरे से बड़े हो, सबसे छोटा मैं हूं। अब आप आइडिया लगा लो कि एक संगठित होकर के आजकल बड़े बड़े माइक पकड़ करके बड़े बड़े साफे सिर पर रख करके मूछों के ताव दे करके कहा जाता है कि मेरे देश के युवाओं राजपूतों आज तलवार का जमाना नहीं कलम का जमाना है, आज माथा कटाने का समय नहीं सर कटाने का समय नहीं गिनाने का समय। कहां गिना रहे हो, कहां गिना रहे हो, अरे कहां गिना रहे हो आप, गिनाओ ना। अगर 35 करोड़ एक जगह हो जाए ना इस देश के क्षत्रिय, अरे ये छोटा ये छोटा ये छोटा ये छोटा वो बड़ा, ये बात मिट जाएगी ना। 35 करोड़ क्षत्रिय एक जगह हो गए ना तो बड़ी से बड़ी सरकारें हिल जाएगी, खुद सरकार बना सकते हो 35 करोड़ एक जगह होकर के, 35 करोड़ एक जगह होकर के खुद सरकार बना सकते हो, पर इसके लिए संगठित होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। मैं बहुत नारे सुनता हूं, सुखदेव दादा आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, हम जिएंगे तब तक सुखदेव दादा के साथ रहेंगे, हम सुखदेव दादा के लिए हमारी जान भी दे सकते हैं, सुखदेव दादा के लिए हम जान ले भी सकते हैं। बहुत नारे लगते हैं, कब लगते हैं, जब लोग जब तक राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना में आप लोग पदाधिकारी होते हो, और जिस दिन कार्यकारिणी चेंज करने की नौबत आती है, जिस दिन कार्यकारिणी चेंज की जाती है सबसे पहले गाली गलौज फेसबुकों पर, अरे कहां चला गया आपका क्षत्रियत्व, कहां चला गया आपका राजपूताना, क्या आजीवन अध्यक्ष एक बन गया वही रहेगा, अब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया तो मैं आजीवन रहूंगा क्या, मैं भी जल्दी इस्तीफा देने वाला हूं, मेरी जगह भी कोई युवा दूसरा नया भाई आएगा और इस समाज को आगे चलाएगा। हम आज हैं, कल हम रहे ना रहे, हमारा क्षत्रियत्व जब तक ये सृष्टि रहेगी, जब तक ये दुनिया रहेगी, हमारा क्षत्रियत्व रहेगा, हमारा राजपूताना जिंदा रहेगा, उसको कोई मिटा नहीं सकता, ऐसी कोई इस दुनिया में ताकत पैदा नहीं हुई। हां अध्यक्ष बनते रहते हैं, नए रिन्यूअल होते रहते हैं, पर जिस दिन अध्यक्ष पद से हटते हैं तो पहले संगठन की तरफ भागते हैं, नया संगठन बनाएंगे, मुर्दावाद वो वाद ये वाद कहां चला जाता है, आपका क्षत्रियत्व कहां चले जाते हैं, वो वादे क्यों भूल जाते हो आप अपने समाज की सेवा, अरे समाज की सेवा आपने साल कर ली, दो साल कर ली, चार साल कर ली, अब कोई युवा भाई को मौका दो, नए भाई आए वो अपनी योग्यता अपनी क्षमता दिखाए समाज को एक करने के लिए। संगठन तो इस देश के अंदर क्षत्रियों के नाम से 5000 बने हुए, पहले ही बने हुए थे, और बन गए होंगे फाइलों में, 5000 संगठन क्षत्रियों के पिछली 65 साल से बने हुए फाइलों में पड़े हैं ना, बाहर से निकले तो नहीं, बाहर से निकले तो नहीं, बाहर भाई साहब ये दिया उधर लगा दो, इसको चास करके दोबारा लगा दो, निकले तो नहीं भारत में, कोई एक तहसील के अंदर है, कोई एक जिले में है, कोई एक प्रदेश में, कोई दो प्रदेशों में टीम बना रखी है, बहुत बढ़िया, मैं स्वागत करता हूं सबका, क्योंकि वो क्षत्रिय है और क्षत्रिय का धर्म और धर्म और कर्म और कर्तव्य होता है कि सबको साथ लेकर के सबका विकास करके आगे बढ़े। इसलिए मेरे देश के नौजवान साथियों, आप लोग संगठित रहो, एक रहो, नेक रहो, और उस बात को मत भूलो कि कल तक आप कह रहे थे कि हम एक सुखदेव दादा की आवाज पे हमारी जान दे देंगे, हम जान ले लेंगे, वो वादे कहां चले जाते हैं आपके, जिस दिन कार्यकारिणी भंग की जाती है, कार्यकारिणी तो भंग होती है, आपको निकाला थोड़ी करनी सेना से, आपको करनी सेना से बर्खास्त थोड़ी किया है, सिर्फ कार्यकारिणी भंग होती है उसका नवीनीकरण हो जाता है, बढ़िया काम करते हैं वो नवीनीकरण में आ जाते हैं, फेसबुक पे लिखते हैं, सर्टिफिकेट देने शुरू कर देते हैं सुखदेव सिंह को, अरे ये सर्टिफिकेट है ना तुम अभी सुखदेव सिंह को दे रहे हो ना, ये मैं 22 साल पहले दे चुका लोगों को, क्या सिखा रहे हो मुझे तुम, मैंने उस घाट का पानी पिया है, जहां कुत्ता बिल्ली शेर एक घाट पर पानी पीते ना, उस घाट का पानी पिया है मैंने, क्या शिक्षा क्या बता रहे हो मेरे को, क्या जताना चाहते हो मुझ पर, सुखदेव सिंह बिल्ली का बच्चा डर जाएगा,
पांच दस बीस लाइव आकर के तुम लोग सुखदेव सिंह को गाली दे दोगे, सुखदेव सिंह के खिलाफ 15-20 पोस्ट लिख दोगे, सुखदेव सिंह घर बैठ जाएगा। सुखदेव सिंह जिस काम को हाथ में लेता है उसको पूरा करे बगैर रुकता नहीं। इतिहास उठा करके देख लो मेरा पीछे का। हां मैं खुद कहता हूं कि मैं सामाजिक सेवा में आया उससे पहले मैं क्या था मुझे खुद पता नहीं, पर जिस दिन से मैंने ये सामाजिक सेवा की कमान मुझे सौंपी है उस दिन के बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, पीछे मुड़ के नहीं देखा मैंने कि क्या तेरे नुकसान हो रहा है, क्या तेरा फायदा हो रहा है, पीछे घूम करके नहीं देखा मैंने। और इसी कारण आज पूरे भारत के क्षत्रियों के अंदर वो जोश जुनून मैं देखता हूं तो दिल बागों बाग हो जाता है, दिल बागों बाग हो जाता है। अरे मैंने जो मेहनत की है, दिन रात लाग करके जो मेहनत की है, आप लोगों के लिए मेहनत की है, आप लोगों के हक और हकूक के लिए मैंने लड़ाइयां लड़ी हैं। आप लोगों को जो ये 10% आरक्षण मिला ना, ये खिरात में नहीं भीख में नहीं दिया। क्षत्रियों का इतिहास रहा है मांग करके भीख में हम कुछ नहीं लेते, हम छीनना जानते हैं। ये 10% आरक्षण कैसे मिला है आप सबको पता है। आर्थिक आधार पर एक श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ऐसी थी जो आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करती थी, आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को लेकर के तीन तीन स्टेटों की सरकार धूल चाट गई जब जाकर के आरक्षण मिला मेरे देश के नौजवान साथियों। और ये 10% आरक्षण उन भाई और बहनों के लिए काम आएगा जो कंपटीशनों में एक एक दो दो चार चार नंबर से पिछड़ जाते हैं, उनके काम आएगा। और मेरे लाखों भाई बहन इस देश की सेवा करने के लिए कर्मचारी बनेंगे, नौकर बनेंगे सरकार के, इससे बढ़िया और मुझे क्या खुशी हो सकती है, क्या गर्व हो सकता है कि मेरे भाई बहन अधिकारी ऑफिसर बनकर के इस देश की सेवा करेंगे। इससे बड़ी खुशी मुझे हो नहीं सकती मेरे देश के नौजवान साथियों। लोग एक काम करने में पूरी पूरी जिंदगी खपा देते हैं। अरे मैंने तो इन सरकारों के झटके ही 5-7 मारे हैं, साल तो मुझे 6 ही हुई है, 6 साल में से 1.5 साल तो मुझे काम ही नहीं करने दिया। अभी देखना आप आने वाले दिनों में जो झटके क्षत्रिय समाज इन सरकारों को देगा ना, लोहे के चने चबा देंगे इनको। अरे ये जो अन्य जातियों में सेट हो गए, एससी एसटी में चले गए क्षत्रिय, मैं मेरे समाज के बुद्धिजीवियों से क्यों, मुझे तो कहते हैं ये तो युवाओं को भड़का रहा है, ये तो युवाओं पर मुकदमे लगा रहा है, ये तो युवाओं को लेकर के सड़कों पर उतर रहा है। मेरे लिए तो बोलते हैं कि ये तो युवाओं को लेकर के सड़कों पर जा रहा है, युवाओं को भड़का रहा है। मेरे लिए तो बोलते हैं कि ये तो पागल है। और मैं आपको बता दूं जो पागल होते ना वो इतिहास बना करके चले जाते हैं, और आप जैसे समझदार पढ़े लिखे बुद्धिजीवी है ना वो इसको पढ़ते हैं। हम तो इतिहास बनाने वालों में से हैं, आप पढ़ते रहना मेरे देश के नौजवान साथियों। अरे क्षत्रिय तो अभी बाकी है, क्षत्रिय तो अभी बाकी है। अभी तो वजन मैंने 10 किलो वजन बैठ घटा दिया भाई, वेट 10 kg मैंने घटा दिया है। इसलिए देख रहे हो आप टी शर्ट, नहीं तो टी शर्ट फी शर्ट आनी बंद हो गई थी पहले तो, पर ये लॉकडाउन हुआ उसके बाद मैंने 10 किलो वेट कम किया है। और मेरे देश के नौजवान साथियों जब तक सांस है, जब तक शरीर के अंदर एक एक खून का कतरा है, वो समाज के उत्थान के लिए, सिर्फ समाज के उत्थान के लिए, इस देश के उत्थान के लिए, राष्ट्रवादता के लिए लगाने के लिए तैयार रहेंगे हमेशा। 24 घंटे एक एक खून का कतरा लगा देंगे, एक एक शरीर की खून की बूंद लगा देंगे, पर आप लोगों को नीचा नहीं देखने लगे मेरे देश के होनहार युवाओं, मेरे देश के होनहार युवाओं, तुम संगठित रहो, एक रहो, नेक रहो, बड़े से बड़ी ताकत भी आपके कदमों में झुकेगी और कहेगी कैसे हो, कैसे हो बना लोगो, तब आप कहना हम तो ठीक हैं, आप कैसे हो, हमारे लायक कोई सेवा बताओ। और जो भी दुखी पीड़ित शोषित आपके पास आता है उसके लिए आप लोग मदद करें,
मेरे पास डेगाना थाने के दो मुकदमे आए हैं, ये पूरा सरकार सुन ले। जननायक नेता सीएम अशोक गहलोत साहब, हम आपको जननायक नेता मानते हैं, डेगाना के अंदर दो बलात्कार हुए, दो रेप हुए, एक चारण समाज की बच्ची के साथ रेप हुआ है और वो आपकी डीएसपी है, बात ही नहीं करती वो सीधे मुंह। मेरे पास चार वीडियो आए उसके, नंबर दे रखे उस बच्ची को, वो उठाती नहीं। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से मंत्रियों से अवगत कराना चाहता हूं, मंत्रियों को, वो डेगाना में जो चारण समाज की बच्ची के साथ बलात्कार किया है वो कोई कांग्रेस का छुटभैया नेता है, कांग्रेस की धूस दिखाता है। तो जिस दिन हम आगे ना वहां सुनामी आएगी, सुनामी बह जाएंगे ये छुटभैया नेता। मैं नागौर एसपी साहब से, डीवाईएसपी से और सरकार के नुमाइंदों से, गृह विभाग गहलोत साहब के पास होने के नाते जननायक नेताजी से अनुरोध करता हूं, डेगाना में दो रेप हुए, एक राजपूत की बच्ची के साथ, एक चारण समाज की बच्ची के साथ, उन दरिंदों को सलाखों के पीछे डाल दो, वरना सुनामी आएगी। फिर मत कहना कि ये क्या हो गया नागौर के अंदर, कुछ लोग तो कहते ना नागौर के बॉर्डर पर लक्ष्य लेके मिलेंगे, ढूंढे नहीं मिलोगे, ढूंढे हुए बहन बेटियों की इज्जत नहीं लूटने देंगे, चाहे नागौर हो, चाहे भरतपुर हो, चाहे जयपुर हो, चाहे हनुमानगढ़ हो, बेटी चाहे कुम्हार की हो, चाहे बेटी लुहार की हो, चाहे बेटी धानक समाज की हो, चाहे वाल्मीकि की हो, चाहे जाट समाज की हो, चाहे दर्जी की हो, चाहे राजपूत की हो, बेटी बेटी होती है। ये अन्याय सहन नहीं करेंगे। अरे छुटभैया नेता के दबाव में उनको गिरफ्तार नहीं कर रहे तुम, दो रेप की घटना हो गई है डेगाना थाने में, और एक घटना में तो पुलिस के जवान भी दो शामिल हैं। एक तरफ तो पुलिस के जवानों को हम नमस्कार करने झुक झुक करके कोरोना से बचाव के लिए सड़कों पर लड़ रहे हैं, पुलिस की छवि कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। ये दो चार जो महाराणा प्रताप जी के लिए गलत टिप्पणी की थी उनके ऊपर भी कार्रवाई करें, उनको तो कार्रवाई नहीं, उनको तो बर्खास्त, सरकार बर्खास्त करे। क्षत्रिय समाज की गिनती अब 8 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़, 18 करोड़ नहीं, जो राजपूत समाज के काफी भाई इधर उधर भटक करके दूसरी बिरादरियों में शामिल हो गए, उनको वापिस लाने की मुहिम चल रही है। और 35 करोड़ जिस दिन भारत के अंदर राजपूत क्षत्रिय एक हो गए ना, उस दिन बड़ी से बड़ी सरकार यहां कदमों में होगी, और उसके लिए संगठित होना पड़ेगा, आप लोगों को संगठित होकर के लड़ना पड़ेगा, मुकाबला करना पड़ेगा, और उसके लिए आप लोग अपने अपने क्षेत्र में तैयारी करें और जनगणना शुरू करें, जिला वाइज कर दें। प्रदेश अध्यक्ष हैं वो जिला वाइज जिला अध्यक्षों को बोल दें, जिला अध्यक्ष तहसील अध्यक्षों को बोल दें, जनगणना करें और बाकायदा पूरा बायोडाटो के साथ करें, बाकायदा आधार कार्ड लगा हुआ फॉर्म भर करके आए उनका पूरा बायोडाटा, और वो 35 करोड़ ट्रकों में भर भर के, 5-7 हजार ट्रक भर भर के उन डॉक्यूमेंटों के सरकार को भेजेंगे कि क्षत्रिय समाज भारत के अंदर इतना है, ये है। उसी हिसाब से हमें हमारा हक और हकूक चाहिए। अरे क्षत्रियों ने क्या बिगाड़ा इस देश का, आप लोगों ने बराबरी के लिए क्षत्रियों की रियासतें, क्षत्रियों की जमीनें, क्षत्रियों के गढ़ मांगे, क्षत्रियों ने फट देसी दे दी पूरी की पूरी रियासतें, ये संभालो रियासतें, ये संभालो गढ़, ये संभालो जमीन, पर देश के अंदर बराबरता समानता होनी चाहिए। पर कहां छोड़ी अपने बराबरता समानता, इस देश के अंदर रही क्या समानता और बराबरता, रही क्या? क्षत्रियों को कुचल रहे हो, बीच में फिर भी बांट थे, हमारे पूर्वजों ने ध्यान नहीं दिया, क्षत्रियों को विलियन बना बना करके पेड़ के बांध के पीट रहे हैं, जीप के पीछे घिसीट रहे हैं, तुम्हारे बाप का राज है क्या? उन भांडों को भी हमारे भाई टिंकू ने एक चांटा जड़ा था बंसाली भांड के जयपुर में, और पूरी फिल्म इंडस्ट्री झनझना गई थी। अब दिखाओ ना कौन सा दिखाता है, मैं देखता हूं। घर में घुसेंगे, दक्षिण देशों की संस्कृति सभ्यता हिंदुस्तान में नहीं आने देंगे, राष्ट्रवादी हैं, दक्षिण देशों की सभ्यता संस्कृति को भारत में नहीं आने देंगे। जो भी
कोई भी फिल्म इंडस्ट्री का कोई प्रोड्यूसर या हीरो या हीरोइन गलत रोल करती है उसको तुरंत जवाब दो। जैसे बिग बॉस के अंदर सलमान खान गलत कर रहा था, हमारे कर्णी सैनिक 18 गए, फट गए, उसके घर के अंदर घुस गए, उस तक तो नहीं पहुंचे पर उसके घर में घुस गए, जमानत करवाई उनकी भी हमने। हम घर में घुसते हैं पीछे से, पीठ के पीछे से वार नहीं करते और कह करके करते हैं जो भी करते हैं। इतिहास के अंदर सेंसर बोर्ड का घेराव किसी ने नहीं किया होगा, शिवसेना महाराष्ट्र में सरकार बना चुकी है और वहां बहुत मजबूत है, पर आज तक सेंसर बोर्ड का घेराव नहीं कर पाई ये राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना। और आपका बुजुर्गों का बेटा, नौजवान साथियों का भाई सेंसर बोर्ड घेरा। कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराने की बात आई, 15 अगस्त को चैलेंज करके गए और फिर आकर के आए हम। तो हम तो जो कहते हैं वो करते हैं। क्षत्रिय की जवान और राइफल की गोली एक बार निकल गई वापिस नहीं आती, हम तो वो लोग हैं। इसलिए आप लोगों से अनुरोध कर रहे हैं, ये दीपक देखो, पैसा थोड़े साइड में बना, ये देखो दीपक ऐसे जगमगा रहा है, ऐसे जगमगा रहा है राष्ट्रीय कार्यालय। वीर शिरोमणि क्षत्रिय सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के लिए ये देखो जगमगा रहे हैं दीपक। इतनी तेज हवा चल रही है, हवा इतनी तेज हवा चल रही है उसके बावजूद दीपक देख लो ऐसे चल रहे हैं। ये पृथ्वीराज चौहान जैसे वीर योद्धा, सूरवीर योद्धाओं की वजह से आज देख लो हवा तेज, इतनी तेज हवा चल रही है फिर भी दीपक चल रहे हैं खुले सरेआम। पूरे देखो लास्ट तक दिखाओ भाई, ये ताकत आप लोगों की ताकत है, मां भवानी की ताकत है, मां भवानी का आशीर्वाद कर्णी सेना के साथ हमेशा रहता है, मां कर्णी का आशीर्वाद कर्णी सेना के साथ हमेशा रहता है। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, कार्यकारिणी भंग भी करनी पड़ती है, नई भी बनानी पड़ती है, पर ये जो आप लोग ड्रामा करते हो ना, भूल जाते हो आप फिर किस चीज के क्षत्रिय, किस चीज का राजपूत। एक दिन तो कहता है हम सुखदेव सिंह के लिए जान दे देंगे और अगले की ले लेंगे, दूसरे दिन मुर्दाबाद जिंदाबाद पोस्ट डाल रहे हैं। ये रवैया बदल लो, चेंज कर लो, सुधार कर लो अपने आप का। कार्यकारिणी चेंज भी होंगी, अध्यक्ष भी बदले जाएंगे और क्षत्रियों का इतिहास रहा है, कभी भी पीठ के पीछे वार नहीं किया और कर्णी सेना कभी पीठ के पीछे वार नहीं करती। हम जो बोलते हैं वो करते हैं और करके दिखाते हैं। आज हमने कहा था कि वीर शिरोमणि क्षत्रिय सम्राट पृथ्वीराज जी चौहान के जयंती के समय पर 8 बजे दीपक जला करके इसको हम मनाएंगे, तो हमने दीपक जलाए और मना रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि एक रहो, नेक रहो, संगठित रहो मेरे देश के नौजवान साथियों। और क्षत्रियों का जितने भी पूर्वज आज लोक देवता हैं जिनको हम पूज रहे हैं, उन्होंने गायों की रक्षा की है, गायों को बचाया है, तो क्षत्रियों का धर्म और कर्म और कर्तव्य है कि मैंने पहले भी बोला आज फिर बोल रहा हूं कि गौशालाओं के अंदर आप हरा चारा डला सकते हो, सूखा चारा डला सकते हो। इस टाइम कनक की कटाई हो रही है, चावल की पराली निकल रही है, इसलिए सस्ता रेट में चारा मिल रहा है। इधर हरियाणा पंजाब से काफी ट्रैक्टर ट्रक भर भर के आ रहे हैं, तो गौशालाओं में अगर एक व्यक्ति सक्षम है तो एक ट्रॉली गिरा सकता है, अकेला सक्षम नहीं है तो 5-10 जने मिलकर के गौशालाओं में चारा डलाएं, गायों की रक्षा करें, गायों को आगे बढ़ाएं। और आप गौशालाओं में, मैंने पहले भी कहा था फिर कह रहा हूं, गौशालाओं को चेक करें, जाकर के देखें कि क्या हो रहा है वहां, गायों की सेवा हो रही है या नहीं हो रही। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, ज्यादा समय नहीं लेकर के मैं यही कहूंगा कि आज वीर शिरोमणि क्षत्रिय सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती धूमधाम से मनाई है और आगे भी ऐसे ही मनाते रहेंगे। और आप लोगों ने ट्विटर पे जो हैशटैग किया था उस पर एक नंबर पे चल रहे हो, मैं तो कहता हूं जो बचे हुए हैं वो भी जल्दी जल्दी जाकर के हैशटैग करें और जो क्षत्रिय सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी है उनकी सच्ची दिल से दिमाग से जय जयकार करें और नारा एक जरूर लगाएं, जब तक सूरज चांद रहेगा चौहान आपका नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा चौहान आपका नाम रहेगा। ज्यादा समय नहीं लेकर के यही कहूंगा,
जय श्री राम, जय मां भवानी, वंदे गौ मातरम। सभी देशवासियों को जय माता जी की।